चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस ने 13 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कार्रवाई। हरियाणा के रेवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें। शाह बोले हरियाणा की बीजेपी सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। कांग्रेस बताए कि उनकी सरकारें कितनी फसलें एमएसपी पर खरीद रही हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को पार्टी के लिए मांगेंगी वोट। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है, इनके पास बताने को काम नहीं है। अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज बोले हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित, बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले आप नेता सुशील गुप्ता, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, केजरीवाल की गारंटियां हरियाणा में भी लागू करेंगे। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, मोदी जी 74 साल में तीसरी बार पीएम बन सकते हैं, किसान का बेटा 4 साल में रिटायर क्यों हो जाता है। संजय सिंह का गंभीर आरोप। कहा बीजेपी का काम पार्टी और विधायकों को तोड़ना, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। इंडिया टीवी चुनाव मंच पर बोले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना हरियाणा में नहीं बनेगी सरकार, केजरीवाल के पास होगी सत्ता की चाबी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की हसरत पूरी नहीं हुई, आम आदमी पार्टी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, राघव चड्ढा का बयान। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर पहुंचे हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, बोले बीजेपी की हैट्रिक पक्की, कांग्रेस के बार बार झूठ का जवाब हरियाणा की जनता देगी। विप्लव देव बोले झूठ की दुकान बनकर रह गई है कांग्रेस, राहुल को जीत का इतना भरोसा है तो हुड्डा को सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया, आम आदमी पार्टी को सिर्फ एंटरटेनमेंट बताया। हरियाणा में मुकाबला टफ, हमें वो सीट भी जीतेंगे जो लोकसभा में विपक्ष के झूठ के चलते हारे, इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोली बीजेपी नेता और पूर्व रेसलर बबीता फोगाट। बबीता फोगाट बोली मुझे टिकट ना देना पार्टी का फैसला, व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश, टिकट ना मिलने से मैं कमल के फूल के लिए काम करती रहूंगी। बहन विनेश फोगाट पर खुलकर बोली बबीता फोगाट, कहा शायद कांग्रेस ज्वाइन करने का पहले से मन बना चुकी थी विनेश, डिस्क्वालीफाई होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार कैसे। जम्मू से कांग्रेस एनसी और पीडीपी पर सीएम योगी का अटैक, बोले तीन पार्टियों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनाह दी, जनता का शोषण किया। धारा 370 हटने के बाद तेजी से हुआ जम्मू कश्मीर का विकास, नौजवानों को मिल रहा है रोजगार, सीएम योगी का बयान। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से हुए दोनों चरणों के चुनाव, घाटी के लोगों का पीएम मोदी पर भरोसा बढ़ा, जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का बयान, चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, कश्मीर के लोगों ने बुलेट को नहीं बैलेट का रास्ता चुना।